आ गई आ गई, इस बार तो बारिश आ गई, तेज आ गई। सामने वाली कुकिया में शरण लेते हैं। चलो चलो चलो। पूरी रात बारिश हुई है कल, और उससे ठंड अच्छी हो गई है, अब जाके बारिश रुकी है। लेकिन आज पूरे दिन ऐसे क्लाउडी रहने वाला है, तो कॉफ़ी गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा आ रहा है अभी तो। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि क्या करना है आज। आई कांट वेस्ट अ डे हियर। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि सो लॉटरबुल में इस साइड तो वैंगन आता है, लेफ्ट साइड में इधर वाटरफॉल्स आते हैं, और इस साइड म्यूरेन और ग्रिमल वॉल्ट आता है। सो व्हाट आई प्लान इज आई गो दिस माउंटेन एंड आई होप कि ज़्यादा कुछ क्लाउड्स नहीं हो और थोड़ा व्यू अच्छा दिखे ऊपर से। वैसे तो चेंज होता रहेगा आफ्टरनून में कि फिर से बारिश होएगी, शाम तक फिर से खुल जाएगा, बट इट्स बेटर टू गो अप एंड एन्जॉय देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट एन्जॉय माई कॉफ़ी। वाला था कॉफ़ी पी के कि फिर से ज़ोरदार बारिश हो गई है, पता नहीं कितने देर में रुकेगी। अभी कुछ अजीब से हो रहा है, ज़ोर से धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है। आई होप रेनबो दिखे कहीं, तब मज़ा आएगा। ऐसे वाटरफॉल के आसपास रेनबो। तो लॉटरबुनर स्टेशन के ठीक सामने से म्यूरेन की ट्रेन जाती है, और म्यूरेन जाके वहाँ हाइक करने का प्लान है फिर से, और कुछ 9 फ्रैंक्स की पड़ती है वन वे ऊपर जाने में। लेट्स गो देयर। वैसे तो लोग वहाँ से भी हाइक करके ऊपर आते हैं, लेकिन मैं सोचा कि ये वाला केबल कार लेके ना हुआ है हाइक फ्रॉम हियर टू दिस माउंटेन। थैंक यू। और मनाली की साइकेडेलिक वैली में आपका स्वागत है। काफ़ी कुछ सिमिलर लग रही है उसके जैसी, इट्स लिटिल मोर डेंस। फॉरेस्ट तो काफ़ी डेंस है स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, भालू तेंदुआ शेर इवन स्नैक्स भी नहीं है। सो इट्स सेफ प्लेस टू हाइक हियर। और अगर अगले दो दिन व्लॉग नहीं आया तो समझ जाना कि था कोई जंगली जानवर आसपास की कंट्री से आ गया होगा, जर्मनी से या फ्रांस से। ड्रोन उड़ाने के चक्कर में बारिश आ गई और गीले हो गए, बैग भी गीला हो गया, मैं भी गीला हो गया, ड्रोन भी गीला हो गया। और अब बारिश और आ रही है, यहाँ पे बादल आ रहे हैं, तो कुछ शेड मुझे दिख नहीं रहा है, तो पेड़ है थोड़े बहुत। मेरे ख्याल से म्यूरेन के लिए भागना पड़ेगा। वैसे तो आई एन्जॉय दिस वेदर, बट आई एम नॉट कैरिंग एनी रेन कोट और एनी थिंग, और बैग भी गीला होने का डर है।
आ गई इस बार तो बारिश आ गई, तेज आ गई। सामने वाली कुकिया में शरण लेते हैं। गीले तो हो गए लेकिन यहाँ पे थोड़ा शेड मिला है। और घंटियों की आवाज़ आ रही है तो शाहरुख खान नहीं है यहाँ पर, ये तबेला है इनका काऊ बांधने का, तो अंदर पूरी काऊ है इसमें, उसकी आवाज़ है। और इधर से ये व्यू है, थोड़ी सी कम होती है तो निकलता हूँ। हाँ ठीक है, मत बजाओ मैं ही हूँ। तो वो सामने जो है वो वैंगन है, वैंगन जो है वो दूसरी पहाड़ी पे है, बीच में लौटरबुनन है। और इस पहाड़ी का ये सिस्टम है कि केबल का नीचे से लेके आ सकते हो आप, ग्रुसेल्प करके कोई प्लेस है नीचे लिखा ही हुआ है क्या नाम है उसका एग्जैक्ट। फिर उधर से यू कैन हाइक टू दिस साइड टू म्यूरेन देन ग्रिमलवॉल्ड एंड टेक अनदर केबल कार बैक टू लौटरबुनन। बारिश तो और बढ़ गई है, रेनकोट नहीं है मेरे पास, बैग भी बचाना पड़ेगा, सारे गेयर्स इसमें ही है, तो पेड़ का ही सहारा है। अब थोड़ी सी कम होएगी देन। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बादल ही बादल छा गए। सो आई एम थिंकिंग कि यहाँ से म्यूरेन तक की ट्रेन ले लूँ, हाइक, फिर बारिश तेज़ हो जाएगी वरना, और फिर म्यूरेन में वैसे घूमने ही स्काइटी का ट्रेन को मेरा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और शेड में मिला है थोड़ा, लेकिन जब से यहाँ खड़ा हुआ म्याऊं म्याऊं कर रही जा रही जब से। व्हाट हैपेंड, म्याऊं म्याऊं, ये चढ़ी कहाँ से हो? तो ऐसा कुछ मैप है पूरा यंग फ्लू का। इंटरलॉकन में था मैं तो लौटरबुनन में 4 दिन से, और अभी विंटर और म्यूरेन ये वाली पहाड़ी घूम रहा हूँ। विंटर वॉल्ड गया था कल, अभी यहाँ से ट्रेन पकड़ के म्यूरेन जा रहा हूँ। ट्रेन भी आ गई है। ऐसी एक डब्बे वाली ट्रेन है, सीधी सीधी चलती रहती है म्यूरेन तक। हम पहुंच गए हैं म्यूरेन और अब घूमते हैं म्यूरेन। लौटरबुनन की ट्रेन भी यहाँ से जाती है, बट अभी बहुत कुछ ही घूमने के लिए। म्यूरेन की हाइट है कुछ 5000 फीट। ओके, तो यहाँ पे बादल ही बादल हो रहे हैं, कुछ दिख तो रहा नहीं है ज़्यादा कुछ, वरना इसका व्यू अच्छा है लौटरबुनन वैली का। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर देखते हैं बादल हटेंगे। बारिश तो आज रुकने नहीं वाली ऐसा लग रहा है, यहीं से रिटर्न ट्रेन लेनी पड़ेगी लौटरबुनन के लिए। बादल हटे हैं थोड़े लेकिन बारिश बहुत तेज आ रही है, देखते हैं 10-15 मिनट। हल्की हल्की ड्रिजल अभी भी चालू है, लेकिन अब निकलते हैं बाहर। वुलन कैप है ये पहनते हैं और देखते हैं कितनी बचाव होती है इससे। बारिश नहीं आया, बाकी तो अच्छा वेदर है, क्लाउड है हर जगह, लेकिन बारिश नहीं आया, देन आई कैन वॉक पूरा। फिर से बादल आ गए हैं और फिर से बारिश चालू हुई है, और फिर से यहाँ पे शेड लेके वेट करना पड़ेगा। Then back to Germany to catch my flight to India. Wow, yeah. That's a big trip. Yeah, so it's total around 30 days something. That's amazing. Because I got a visa of 30 days, so yeah. I want to utilize my. Yeah. Journey. Yeah. I'm so excited for you. It's gonna be amazing. Yeah. Nice meeting you. Yeah. What's your name? Amit. Amit. Yeah. I'm Tanya. Tanya. So it's better to go to Lauterbrunnen now. There's no point waiting for the rain to stop. And I think I'll go down. हो सकता है बारिश नहीं आ रही हो, तो देखते हैं लौटरबुनन में कैसा वेदर है, अदरवाइज वहाँ से अपना रेन कोट उठा के आई रोम अराउंड द टाउन। सो दिस इज़ इट फॉर म्यूरेन फॉर मी, I'll run now. काफ़ी बारिश है।
It's much better down Lauderdale. एंड आई एम बैक इन लॉटरब्रूनन. यहाँ पे कम से कम बारिश और बादल तो इतने नहीं है. तो अब फटाफट गर्मा गर्म कॉफ़ी पीता हूँ और फिर निकलता हूँ वाटरफॉल की साइड. थोड़ा ये टाउन एक्सप्लोर करते हैं. आज लास्ट डे है यहाँ पे. कल आई एम लीविंग दिस टाउन, तो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं. तो इस नाम से रहता ये क्लिफ हाइक. ये मैं करना चाहता था आज. म्यूरेन इसलिए गया था, लेकिन वेदर ऐसा था इसलिए मतलब नहीं रहा. बंद था ये, वरना इसका प्लान था मेरा. 3-4 घंटे का हाइक होता है पूरा क्लिफ. क्लिफ पे 2 सस्पेंशन वेज भी आते हैं उसमें, और 135 फ्रैंक्स का है. पूरा प्लान था उसका, लेकिन वेदर ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया. म्यूरेन में जाके फिर बारिश आ गई तो ज़्यादा हाइक भी नहीं हुई. तो अभी आई एम गोइंग टू सी सम मोर वाटरफॉल्स. क्योंकि बारिश हुई है तो वाटरफॉल्स काफ़ी सारे नए स्टार्ट हो गए. तो आई जस्ट ग्रैब अ रेन कोट एंड वॉक टू दिस वाटरफॉल. देयर इट इज. ऊपर कपल जो मिले थे, तो जो द गर्ल हिज फादर इज ऑल्सो इंडियन, इसलिए उसका नाम था तानिया और उसका सरनेम है कौर बिंद्रा, तानिया कौर बिंद्रा. बट हर मदर इज स्विस, तो वो अब स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं. तो बता रहे थे किससे शी मेक्स डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ अबाउट इमिग्रेंट्स. एंड बाहर जाने का सोचते हैं और बारिश हो जाती है. 8 बज गए लगभग, तो मैं वेट कर रहा हूँ. थोड़ा सा रुकिए, बाहर निकला हूँ, फिर चालू हो गई बारिश. बारिश तो आ गई है जोरों की, और कुछ ऐसा पोंचो बना लिया है रेनकोट का. सर भी बचेगा, बैग भी. ठंड भी बढ़ गई बारिश होने से. बारिश तो तेज आ रही है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है 2018 में जब हम आए थे तो इस अपार्टमेंट में रुके थे और यहाँ खूब सारे फ़ोटोज़ लिए थे. इसका सेकंड फ्लोर जो था बालकनी, वहाँ से सीधा वाटरफॉल दिखता है. सुबह की चाय और रात का, रात को यहीं बैठते थे. ये व्यू था उसका बालकनी का. चर्च के होने से कुछ अलग ही फील आ जाता है, टाउन का ब्यूटीफुल हो जाता है. पर माउंटेंस ही माउंटेंस है आसपास, और आज तो क्लाउड है, अदरवाइज यंग फ्रू दिखता है यहाँ से. वाटरफॉल तो पहुंच गया वॉक करते करते, लेकिन बारिश तो और बढ़ गई है. सोचा था यहाँ ड्रोन उड़ाऊँगा थोड़ा, या फिर ऊपर वॉक करके जाऊँगा. नॉट पॉसिबल ना, थोड़ी देर रुकता हूँ, देखता हूँ बारिश कम होती है क्या, वरना एक दो टाइम लैप्स लेके आई हैव टू हेड बैक होम.